टू द ब्लॉग। जयपुर जायका की जो सीरीज शुरू की थी, आज पार्ट टू करने की कोशिश करेंगे, नए जायके आपको दिखाने की कोशिश है। चलेंगे जसराम जी को लेंगे साथ में, और फिर कोशिश करेंगे 3-4-5 जायके जितने आज हो पाते हैं। कोशिश कीजिएगा इन जगहों पर जाने की, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। अभी निकल रहे हैं हम लोग, मैं निकल रहा हूँ और सर को लेते हैं, फिर आगे का ब्लॉग देखते हैं। आज एक गाने की फरमाइश तो बनती है उनसे। अभी तो फिलहाल उनका वेट कर रहे हैं, वेट करा रहे हैं वो, फिर चलेंगे उनके साथ। उनकी आवाज में एक गाना इस ब्लॉग में भी सुनने की कोशिश करेंगे, देखते हैं दोस्तों, देखते रहिए। वेलकम सर। वेलकम, कैसे हो? बस बढ़िया सर, मॉर्निंग सर। आज आपने जो बोला ना सर, सेकंड एपिसोड करेंगे सर आज आपके साथ। अरे बिल्कुल करेंगे, आज आपको दिखाते हैं कि मीठा जायका पिलाते हैं। शहर का कौन सा, कहाँ चले सर? पहले देखो MI रोड की तरफ चलते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं आज कौन सा जायका लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज एक गाना बनेगा सर इन जायकों के बीच में, आपका जायका जो गाने वाला है वो एक गाना बनेगा सर। बिल्कुल सुनाएंगे आपको ये गाना, बिल्कुल बहुत बढ़िया आपको सुनाएंगे एक गाना। लगे हमने आपसे सीखा है, ठीक है, हम इन लुप्त में हम जिंदगी जीते हैं सर। तेरा भरम ना टूटे, तेरा भरम ना टूटे, मैं तेरा शहर चलाया, तेरा भरम ना टूटे, मैं तेरे शहर चलाया। पल में जीने की आरजू, तू पल में जीने की आरजू, जो सदियों से लिए बैठी हो, मैं तेरा शहर चला आया। तेरा भरम ना टूटे, तेरा भरम ना टूटे, मैं तेरे शहर चलाया। आज के जायके की शुरुआत करते हैं जयपुर का फेमस लस्सी वाला। MI रोड पे जब भी राजमंदिर से आप अजमेर गेट की तरफ जाएंगे तो ये लस्सी वाला बहुत फेमस है। लस्सी वाला आइएगा तो इस मीठी लस्सी का आनंद जरूर लीजिएगा जयपुर में जब भी आप आते हैं। एक बड़ी पैक कर दीजिए मलाई रेगुलर तो नहीं, लेकिन जब भी समय मिल जाता है बहुत अच्छा, टेस्ट काफी अच्छा है, डिफरेंट है थोड़ा सा। कब से आते रहे हो आप? मैं यहाँ 1998 से, जब पहली बार मैं जयपुर आया था तब मुझे किसी सीनियर ने बताया था कि वहाँ एक लस्सी की दुकान है पीना, राजमंदिर के पास है, तो राजमंदिर में मूवी देख के एक लस्सी पी के और एक पास में समोसे की दुकान उठा के निकल जाते। और कितनी पुरानी होगी लगभग? 1944 लिखा हुआ है।
इसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन बस इसी कारण से जब कुछ पुराने यहाँ जो लोग पहले तैयारी करते थे वो मिले, तब उन्होंने कहा कि यार अगर राजमंदिर के आसपास जाओ तो वहाँ लस्सी जरूर ठीक है। 1944 में आ गई थी, उससे पहले भी नहीं, उस टाइम पहले बिल्डिंगे नहीं बनी थी, ये रोड पे जंगल थे पहले। तो कैसा लगा उनसे बातचीत हुई आपकी? अब हम लोगों को न तो इतना टाइम होता है, और अधिकतर जितने भी सेलिब्रिटीज आते हैं वो गाड़ी से उतरते नहीं है। अच्छा, नहीं वो तो उतरे थे, वो तो क्या आपने प्रमोशन के लिए आए थे इसलिए उतरे थे। प्रमोशन के लिए आए थे इसलिए उतरे थे। अच्छा, कितनी बिक्री हो जाती करीब? वैसे ये 7 छोटे वाले पैक करा, आप कंट्रोल हिसाब लगाते रहिए। हाँ, लेकिन अच्छा है। हाँ, काम अच्छा है। गर्मियों में क्या रहता है? गर्मियों में भी यही रहता है, 12 महीने एक ही काम है। क्या नाम आपका? मेरा नाम घनश्याम। घनश्याम, ये फोर्थ जनरेशन है। ये फोर्थ जनरेशन? हाँ, ये पोते हैं बिल्कुल मेरे पोते हैं ये। आज हम लोग जसराम सर के साथ निकले थे ये देखने के अलग अलग तरह के जायके कैसे दिखाए जाए। पहला डेस्टिनेशन जो हम लोगों ने चुना था वो MI रोड का लस्सी वाला था, लेकिन फिर हम लोगों को लगा कि जाते टाइम हम लोगों को दिखा था कि जवाहर कला केंद्र एक जगह है यहाँ पे MI रोड पे JLN मार्ग पे, अलग अलग टाइप की एग्जीबिशंस लगी हैं। आज कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो एग्जीबिशंस दिखाएं। इसमें बेसिकली इथनिक राजस्थानी भी हैं, राजस्थानी आइटम्स हैं, बहुत सारे आइटम्स हैं। अभी चलेंगे अंदर तो आपको डिटेल में इस चीज़ों को दिखाएंगे। कौन आया है, कौन आएगा, कौन आया है, कौन आएगा, मेरा दरवाजा हवाओं से हिला होगा, कौन आया है, कौन आएगा, मेरा भरम जो है कि मेरा दरवाजा हवा से हिला होगा, कौन आएगा, कौन आएगा। जवाहर कला केंद्र में हम लोग आए हैं, एक अंदर बड़ी भूख लगाई है, अंदर ट्रेडिशनल राजस्थानी इंडियन कुजीन मिलती है, रेस्टोरेंट है, पदार्थ हैं, देखते हैं कैसा है अंदर। पदारोसा आए हैं हम लोग, ट्रेडिशनल थाली मंगाई है राजस्थानी। जो थाली आई है, पापड़, चावल, रायता, मिर्ची, दाल, गट्टे की सब्जी, कड़ी, चूरमा है ये राजस्थानी, दो तरह का चूरमा है। एक जो चूरमा है वो है गुलाब चूरमा, दूसरा सादा चूरमा। बाटी, बाटी भी दो तरह की है, एक सादा बाटी है और एक है मसाला बाटी। मसाला बाटी सर, वो मेरा सीनियर होता जवाहर कला केंद्र के अंदर। ये शिल्प ग्राम एग्जीबिशन लगी हुई है, आपको दिखाते हैं यहाँ के अलग अलग टाइप के स्टॉल्स हैं, एग्जीबिशंस हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, हैंडमेड स्पेशल। ऑल ओवर इंडिया यहाँ लोग आए हुए हैं, अपने अपने स्टॉल लगा रखे हैं। जिनको भी इतनी चीज़ें आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है उनके लिए है ये। अभी तो इसकी डेट निकल जाएगी, जब तक वीडियो आएगा तब तक ये 20 अक्टूबर तक ही है, लेकिन ऐसे एग्जीबिशंस यहाँ लगते रहते हैं। तो एडवाइजेबल है, जब भी जयपुर आएँ या जयपुर में अगर आप रहते हैं तो जब भी आएँ, जवाहर कला केंद्र आपको निराश नहीं करेगा, कुछ ना कुछ आपको
राजस्थानी रंग और कुछ चीज़ें दिखाता रहेगा। एग्जीबिशन हर साल लगती है अक्टूबर में, और इस टाइप की एग्जीबिशंस लगी रहती हैं यहाँ पे, जिसको जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसा। दूध है जिसको हम कलेक्शन करके बनाता हूँ, ये मेरा खुद का इन्वेंशन है एक्चुअली। ये पर्पल जो है साउथ अफ्रीका का पिंकर वुड है, रेड जो है पैडॉक अंडमान या मलेशिया का, योलो जैकफ्रूट वुड है, वाइट न्यूजीलैंड पाइन और ब्राउन मरगोसा। सारे डिफरेंट वुड को हम कलेक्शन करके प्रोसेसिंग करके ड्राइंग करके ड्राइंग काट के पेस्टिंग करके सेंट्रल वर्क से घस के क्लियर करता हूँ। थैंक यू। के तुम ऐसे करो, जो तुम लस्सी वस्सी पिलाई, ठंडक बंडक डाली, और ये जो दाल बाटी चूरमा खिलाया इधर, और जो राजस्थानी ठेठ जो पहचान है राजस्थानी, उसके बाद में कुछ पान वान भी खिलाओ, पान बीड़ा खाए तो कुछ मजा है यार। हैं, इस पान बीड़ा के बिना है क्या? सर आपको मैं एक ले चलता हूँ, बहुत फेमस पान वाला है, मस्त आराम से। आपको कौन सा पान खाना है ना सर? अच्छा, आज जायके में पान ही दिखाता हूँ सर आपको। पान भैया, पान जो होती है वो ये होती है कि आपने पूरा खाना खा लिया है, और खाना खाने के बाद में आपको पान अगर मिलता है तो फिर लगता है कि आपका संपूर्ण भोजन हो गया है, और उस संपूर्ण भोजन तो पान से ही आएगा। पान चाहे यहाँ का खिला दो, चाहे मद्रासी खिला दो, चाहे लखनऊ वाला खिला दो, चाहे कलकत्ता वाला खिला दो, या मेरे गांव में भी पान होते हैं वहाँ का खिला दो। मीठा पान बहुत ही, लोग 12-12 2-2 बजे तक पानों की दुकान पे घूमते रहते हैं, क्योंकि आजकल तो नाइट क्लब हो गया ना, नाइट क्लब में लोग खाना ही 12 बजे खा के आते हैं। तो ठीक है सर, मैं आपको पान खिलाता हूँ सर, पान के लिए चलते हैं सर, आपको दिखाता हूँ एक जगह। बिल्कुल बिल्कुल, पान जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी जयपुर की एक फेमस पान की जगह ले चलते हैं, क्योंकि सर ने कहा खिला बहुत रहे हो, पान नहीं खिला रहे हो। तो चलिए सर, सर आए अपना पान ले। लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के सामने फेमस पान शॉप है गुरु। हमारे में गुलकंद मत डालिएगा, कितने हाँ ये डालो, सुपारी डालो, मसाला भी डालो, और सौंफ वौंफ डाल ही दो। ये बताओ कितने प्रकार के पान बनाते हो भैया? 280 तरह के पान, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बिना गुलकंद के मसाले के साथ का पान। दाल बाटी खाने के बाद और दिन का लंच करने के बाद तलब मची एक अच्छी कॉफ़ी की, उसके लिए आए हम बॉम्बे हाउस। ये JLN मार्ग के पे है, WTP के सामने। बहुत फेमस यहाँ की हैंड बीटन कॉफ़ी है, हाथ से बनती है जो वैसी कॉफ़ी, हैंड बीटन कॉफ़ी। देखते हैं कैसी है कॉफ़ी।
a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. कॉफ़ी आ गई है, हैंड बीटन कॉफ़ी। ये फेमस है रिच क्रीम के लिए, हाथ से बनी हुई कॉफ़ी बिल्कुल। इसका टेक्सचर देख सकते हैं, जो भी लोग कॉफ़ी के शौकीन हैं उनको पता है कि हैंड बीटन कॉफ़ी का क्या मतलब है। इस जगह आई जा सकती है, शानदार कॉफ़ी है, हर कॉफ़ी लवर को एक बार यहाँ आना चाहिए। बॉम्बे हाउस आए थे कॉफ़ी पीने, अभी सर क्या पान खा के है ना दिमाग की बत्ती जल गई है सर की। सर कह रहे हैं कि अगला ब्लॉग बनाना चाहिए, वो होता है ना एक शादीशुदा नौकरीशुदा आम आदमी की लाइफ जिसमें वो बोर हो जाता है। सर कह रहे हैं कि भैया कुछ इस टाइप का ब्लॉग बनाया जाए, कि चलो सर से ही सुनते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, आपको वही समझ में आएगा। अगला ब्लॉग हम आपके साथ बनाना चाहते हैं, वो ये बनाना चाहते हैं कि एक इंसान शादी से पहले एकदम बिल्कुल एक परफेक्शन की तरह रहता है, और उसके बाद में जब वो शादी हो जाती है तो एक रूटीन लाइफ बन जाती है, जाना है ऑफिस, शादीशुदा आम जिंदगी। उस आम जिंदगी के से वो वापस फन वाली लाइफ में कैसे आए, वो लाइफ कैसी जिए, उसको वो परफेक्शन, वो एक अट्रैक्शन, वो एक एंटीट्यूड कैसे मिले, इस पर हम कुछ काम करना चाहते। आज की ये एक कोशिश थी जयपुर के कुछ एक फ्लेवर्स और दिखाने की। MI रोड की लस्सी अच्छी थी, फेमस है, बहुत फेमस है, लोग आते हैं तो विजिट करते हैं। और जो सेकंड हम लोग गए थे जवाहर कला केंद्र, वहाँ एग्जीबिशन लगी हुई थी, वो देखने गए थे। वो पार्ट टाइम है, लेकिन ऐसी एग्जीबिशन लगी रहती हैं, जाया जा सकता है, जवाहर कला केंद्र हैपनिंग रहता है। अंदर एक रेस्टोरेंट था पदारो सा, राजस्थानी फूड ही सर्व करते हैं वो लोग, उनका सेटअप भी राजस्थानी था, ठीक था, अच्छा था मतलब। उसके बाद जैसा कि सर ने, आपने देखा होगा ब्लॉग में, सर को इच्छा हुई पान खाने की। जो पान का सेंटर है ये था टोंक फाटक पे, लक्ष्मी मंदिर के सामने, लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के सामने, फेमस है, रात तक खुला रहता है, काफ़ी भीड़ रहती है। जो भी शौकीन है पान के जयपुर में, उनको आइडिया रहता है इसका। उसके बाद जो हम लोग गए बॉम्बे हाउस, कॉफ़ी है, हाँ हैंड बीटन कॉफ़ी है, जो भी शौकीन है कॉफ़ी के जानते हैं हैंड बीटन कॉफ़ी का मतलब, बहुत बढ़िया थी। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि वहाँ जाना चाहिए, जाया जा सकता है, आए तो। WTP के सामने पड़ता है ये बॉम्बे हाउस। और आगे अभी नेक्स्ट ब्लॉग्स में मिलेंगे, ट्रैवल ब्लॉग पे देखते हैं कहाँ जाएंगे, तब तक देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, धन्यवाद, ध्यान रखिए।